हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बिल्कुल नेचुरल आयुर्वेदिक हेयर ऑयल अपने बालों के लिए आप कैसे बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाएं आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है। उसके बाद आपको इसमें कोई सा भी ऑयल ऐड कर देना है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल अप्लाई करते हैं अपने बालों पे तो आप मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपको कोकोनट अगर ऑयल अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर दीजिए। जोजोबा ऑयल, कैसियर ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल ऐड करने वाली हूँ और मैं ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा कोकोनट ऑयल ऐड करूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोकोनट ऑयल बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐड कर दिया है। और मैंने यहाँ पे प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है और इसको अब हम गैस पर बैठा देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको गैस पर बैठा दिया है। फ्लेम अभी हम लो टू मीडियम ही रखते हैं। अब इस ऑयल को हम थोड़ा अच्छा गर्म होने देंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, हमारा जो ऑयल है वो थोड़ा गर्म अब होने लगा है। अभी इसमें हम कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे फेनुग्रिक सीड यानी कि मेथी। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं करी पत्ते के सूखे हुए लीव्स। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, करी पत्ते को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था और अब मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। करी पत्ता में बहुत ही अच्छा गुण होता है जो कि हमारे बालों को कंडीशन करता है, मॉइस्चराइज करता है और बाल को रीग्रोथ होने में मदद करता है। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं गाइस ब्लैक सीड, जिसे हम कलौंजी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम कलौंजी ऐड कर देंगे। कलौंजी अपने बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ मैंने इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती ऐड किया है जो कि अपने बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम उबालेंगे ताकि इसका जो गुणवत्ता है, इसका जो बेनिफिशिटीज़ है वो हमें अच्छे तरीके से मिले और हमारे जो बाल हैं, जो हेयर फॉल हो रहा है वो तुरंत होना बंद हो जाए, बाल घने हो जाएँ, बाल मोटे हो जाएँ, लंबे एकदम तेज़ी से हों। इसके साथ हम एक और इसमें इन्ग्रीडियंट ऐड करने वाले हैं जो कि है प्याज, और वो हमको बिल्कुल रेड अनियन लेना है। वाइट अनियन बहुत ही धीरे धीरे वीक कर देता है अपने बालों को, हमें बिल्कुल रेड अनियन लेना है जो हमें बहुत ही ज़्यादा अपने बालों को स्ट्रांग बनाएं और जल्दी लम्बा करने में मदद करें। मैं अब अनियन इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें अनियन ऑयल ऐड कर दिया है। अनियन ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसके सारे इन्ग्रीडियंट, ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये थोड़ा लाइट ब्राउनिश कलर का होने लगा है। इट मींस कि हमारा जो अनियन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक रहा है और इसका जो बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है जैसे कि सल्फेट, जो कि अपने बालों को रीग्रोथ करने में मदद करता है, बालों को कंडीशन करता है, ये सारा जो इंग्रेडिएंट है अब इस ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। और जब भी अपने बालों पर हम ये ऑयल अप्लाई करेंगे हमें उसका गुणवत्ता मिलेगा। तो इसको हम अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे। 2 मिनट और इसको हमको बॉयल करना है और फिर हम गैस को बंद कर देंगे। तो अभी हमने यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं अभी तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो इसको लगभग हम 1 घंटे तक इसी तरीके से छोड़ देंगे या 1/2 घंटे तक इस तरीके से छोड़ देंगे जब तक जो हमारा ऑयल है कम्प्लीटली ठंडा नहीं हो जाता है। जब ये ऑयल कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तब हम आगे के प्रोसेस को करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से भी हमको 1/2 घंटा छोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको बाहर ठंडा होने के लिए रख दिया है। आपको इसको इसी तरीके से नेचुरल वे में ठंडा रखना है। आप चाहें तो इसको सनलाइट में भी रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। इससे आपकी ब्रेन स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ आपको विटामिन डी की जो क्वांटिटी है वो आपको अच्छे से मिलेगा। तो आप इसको चाहे तो आप धूप में भी रख सकते हैं। तो मैं भी अभी इसको धूप में रख दी हूँ, इसको बालकोनी में मैंने अभी अपने रखा है और इसको हम 1/2 से 1 घंटे तक अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे नेचुरल वे में और उसके बाद फिर हम आगे के प्रोसेस को करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो ऑयल है 1/2 घंटा हो गया है, अभी ऑलमोस्ट ये ठंडा हो गया है, कम्प्लीटली ठंडा नहीं हुआ है और हमारे जितने भी आइटम्स हैं इसमें अच्छे तरीके से
मिल चुके हैं। अभी हमको क्या करना है कि एक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक बर्तन ले लिया है और एक छन्नी ले ली है। अभी हम इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें छान लेंगे और जो भी ऑयल है वो हमारे बर्तन में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम अच्छे से छान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से छान रहे हैं और हमारा ये जो ऑयल है जैसा कि आप सभी देख सकते हो गाइस बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा ऑयल है आपके बालों के लिए। अगर आप इस ऑयल को लगाते हो वीक में एटलीस्ट 2 बार तो आपके बाल अच्छे घने हो जाते हैं, लंबे मजबूत हो जाते हैं, बहुत ही आपके बालों में शाइन आ जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपने बालों पे इसको अप्लाई कीजिए और आप रिज़ल्ट खुद ही देखेंगे। 1 वीक के अंदर, 1 मंथ के अंदर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप इसको रीस्टोर करके रख सकते हो कोई भी अपने बॉटल्स में या फिर कोई भी खाली डिब्बे में इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।